मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले वीडियोस में द वाइस चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी का आज हम लोग आगे का और टेंस के हिसाब से लास्ट टेंस जिसका हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। वाइस चैप्टर आपको पहले बताया गया, इम्पोर्टेंस काफी है इसकी ट्रांसलेशन वगैरह में, तो आप लोग आज देखिए इसको खत्म करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके सामने लिखा हुआ है द वाइस चैप्टर में, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव है, इसकी नेगेटिव यूज है जैसा था, और पैसिव एक्टिव यूज है हैव प्लस बीइंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो अगर हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव से शुरू करेंगे। तो अफर्मेटिव में देखिए आप लोगों को एक्टिव वर्ब का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले में कर्ता लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब को लिखना भी आता है, और इसी के साथ हम लोग लगा देंगे इसमें हैव। परफेक्ट टेंस है तो मतलब वर्ब की तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म को प्रूव करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड देन प्रिस्टम, ठीक है। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो पैसिव में हम लोग बनेगा जहां सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, विल सेल भी लिखेंगे हम लोग, इसी के साथ इसमें लिखेंगे हैव और फिर लिखेंगे बीन, बी थ्री आप जो हमेशा करते हैं इसमें अदर वर्ड लिखेंगे, बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये आप लोग ये पढ़ चुके हैं तो इसका रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके बाद एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप लोगों को हमेशा एग्जांपल आप लोगों को हमेशा हिंदी में मैं देता हूं, लेकिन आप लोगों को हमेशा एग्जांपल इंग्लिश में ही आएगा और आपको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना होगा। तो इसमें हिंदी में देखते हैं, लिखा हुआ है मोहन एक पत्र, काफी इजी एग्जांपल है, मोहन एक पत्र कल लिख चुका होगा, मोहन एक पत्र कल लिख चुका होगा। तो ये अब जब हम लोग इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मोहन विल हैव, अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस लिए लगाया है, ठीक है, हैव। और अगर आप लोग भूल लेंगे बड़े आराम से लिखना और पे यहाँ पर तो जितना की कन्फर्म हो जाएगी रिटर्न, तो मोहन विल हैव रिटर्न कौन सी चीज, तो ए लेटर और कल के लिए यहां पर लिखा जाएगा तुम्हारा, मोहन विल हैव रिटर्न ए लेटर टुमारो। ये हम लोगों का एक्टिवेट हुआ। इसके बाद इसका पैसिव वर्ब देखिए, हम लोग लिखेंगे ए लेटर, इसके बाद साथ विल लगेगा, हैव लिखेंगे, बीन लगा दीजिए, विल हैव बीन राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न, ठीक है, टुमारो अदर वर्ड्स एंड देन बाई एंड एजेंट हमारा कौन है मोहन, तो मोहन यहां पर मोहन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किस प्रकार से इसका करेंगे, आपको अधिक उसमें टेंशन लेने वाली या कठिन वाली की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग निगेटिव करेंगे तो विल नॉट हैव बीन, तो यहां पर भी नॉट हैव बीन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम करेंगे विल आगे जाएंगे, सेकंड टाइम करेंगे क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दीजिए, हुआ रहा हो तो यहां पर हु लगा दीजिए, पूरा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा देखिए इंग्लिश में ही मिलेगा रोहित विल हैव पनिश्ड, रोहित विल हैव पनिश्ड यू, ठीक है। तो इसका करिए, तो यहां पर देखिए पहले रोहित हम लोगों ने सब्जेक्ट ढूंढ लिया है, पनिश जनरेट करना हम लोगों ने वर्ब ढूंढ लिया है, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। यू को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाइए पैसिव में, हो जाएगा यू, इसकी नॉमिनेटिव केस भी यू ही रखते हैं, एक्टिव केस भी यू ही, यू के साथ हम लोगों को पता है विल लगाएंगे, फिर हैव बीन, यू विल हैव बीन, ठीक है, फिर पनिश की थर्ड फॉर्म दीजिए पनिश्ड, यू विल हैव बीन पनिश्ड, ठीक है, बाई और एजेंट कौन है यहाँ पर रोहित, तो रोहित का रोहित, यू विल हैव बीन पनिश्ड बाई रोहित,
इस तरह से आप लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जांपल दे दीजिए। इसके बाद हम लोग अपना नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसी स्ट्रक्चर में आप लोग निगेटिव बनाइए तो हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर हम लोग यहीं पर लिख देंगे है, ठीक है, और यहां पर भी नॉट, फिर हम लोग लिखेंगे है, ठीक। तो यहां एग्जाम्पल सीधे सीधे आप लोग देखिए, डायरेक्ट इंग्लिश में एग्जाम्पल आपको देंगे, तो लिखे यहां पर सी है विल है She will not have broken the chair. She will not have broken the chair. तो इसका अब आप लोग इसका वो करिए तो हो जाएगा यहां पर सी के सी को उठाइए, यहां का ऑब्जेक्ट है, यहां का ऑब्जेक्ट है द चेयर, ठीक है। सी यहां पर नॉमिनेटिव फ्रेज, ठीक है, तुम्हारे जेंडर का यही सब्जेक्ट है, और ब्रोकन ब्रेक की थर्ड फॉर्म है तोड़ना, चीजें करिए पैसे संभव है कम बनाइए तो जगह क्या चाहिए विल नॉट हैव, और बी लगा दीजिए विल नॉट हैव बी द चेयर विल नॉट हैव बी, ठीक है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म दीजिए यहां पर आप ब्रोकन, ठीक, तो लिख दीजिए बाई, और सी का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग द चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, तो उसका दूसरा एग्जांपल देखिए आई सेड नॉट हैव कॉल्ड यू बिफोर सी कम्स। अब हम लोगों को कुछ याद आना चाहिए, डबल एक्टिविटी जिस वाक्य में होगी तो हम लोग केवल उसी वाक्य का पैसिव करेंगे जिधर हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और मैक्सिमम सेंटेंसेस में उसी वाक्य उसी जगह पर आपको पैसिव करना होगा जहां पर सेल हैव दिया हो या विल हैव दिया हो, ठीक है। इधर आप लोग देख रहे हैं न्यूमरल में दिया है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें बुला चुका हूं, चेंज रहेगी, तो हम लोगों ने इसका पैसिव नहीं करना है, ऐसे ही इसको लिख देंगे जैसे ये दिया हुआ है, एज इट इज दिया हुआ है वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे। तो इधर का पैसिव करिए तो यहाँ पर देखिए आपको यू ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है, कार्ड वर्ब दिख रही है, आई यहाँ का नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, तो इसमें पैसिव किस प्रकार से करेंगे, यू पहले लिख दिया जाएगा, यू के हिसाब से हम लोग लगाएंगे विल, फिर लिख दीजिए नॉट, ठीक है, ठीक, तो लिख देंगे बी यू विल नॉट हैव बीन कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही रहेगी, ठीक, यू विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय आई का करने के लोग मी, और फिर बिफोर, ठीक, सी का सी ऐसे लिख दीजिए बिफोर सी, ठीक, तो लिख देंगे हम लोग यू विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय मी बिफोर सी कम्स। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन।